कांग्रेस राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जब मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए सर। प्रियंका जी ने आना है और लोगों में, युवाओं में, महिलाओं में, पब्लिक में उत्साह है कि जिसकी दादी ने इस देश के ऊपर राज किया, राजनीति की, सेवा की, और पाकिस्तान जो हर बार 5 साल के बाद लड़ाई करता था उसके 2 टुकड़े करके हमेशा के लिए पाकिस्तान के दुश्मनी को ख़त्म कर दिया। लोग एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग भारत चाहते हैं, इंडिया चाहते हैं। हमने इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट जो चली तो बहुत से लोग थे जिन्होंने उस टाइम सरकारी नौकरियां छोड़ दी, अंग्रेज़ का जो कपड़ा था उसको छोड़ दिया। खादी उस टाइम आई कि अपने हाथ से कपड़ा बनाओ, वही पहनो, अंग्रेज का बाइकआउट कर दो। हिंदुस्तानियों ने कुर्बानियाँ देकर इंडिया को आज़ाद करवाया और उसी चीज़ को हम आगे लेकर जो राहुल गांधी कह कर गए हैं जो भारत यात्रा में कि डरो मत, अंग्रेजों से कांग्रेस नहीं डरी, किसी ईडी से कांग्रेस नहीं डरेगी, किसी इनकम टैक्स से कांग्रेस नहीं डरेगी, सीबीआई से कांग्रेस नहीं डरेगी। अगर अंग्रेजों के साथ हमने मुकाबला किया तो इनका भी हम मुकाबला करेंगे। सुखजिंदर रंधावा को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उनके नाम से जिस रसोई को शुरू किया जा रहा है उसका शुभारंभ पोती के जरिए, प्रियंका गांधी के जरिए आज होने वाला है और ये एक बड़ी बात है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर स्टेट हैंगर से रवाना हुए, दूसरी तस्वीर जब निवाई के अंदर हेलीकॉप्टर पहुंचा और सभी सभा स्थल की तरफ रवाना हुए, तीसरी तस्वीर सभा स्थल की है जहां काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, काफी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी का क्रेज लोगों के अंदर नजर आता है। और ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर अपने आप में प्रियंका गांधी का क्रेज रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी का इस बेल्ट के साथ संपर्क रहा है। सवाई माधोपुर प्रियंका गांधी अक्सर आती हैं, परिवार के साथ आती हैं, बड़े कार्यक्रम या बड़े दिन, चाहे वो जन्मदिन के हों या फिर अन्य दिन हों, प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर में जश्न या कहें कि परिवार के साथ वक्त बिताने आती हैं और इसलिए इस बेल्ट के साथ उनका एक अलग जुड़ाव है।